दोस्तों आईसीसीआई वनडे वर्ल्ड कप 2023 का कंफर्म शेड्यूल की घोषणा हो चुकी है और आईसीसी के वनडे वर्ल्ड कप के पूरे शेड्यूल की घोषणा होते ही बीसीसीआई ने भी इसके 7-18 सदस्यों की खतरनाक भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों इस वर्ल्ड कप के लिए बीसीसीआई ने एक बड़ी घोषणा और कर दी है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को बतौर भारतीय टीम का मेंटोर चुन लिया गया है। तो वहीं पे महेंद्र सिंह धोनी के आने से भारतीय टीम का वर्ल्ड कप जीतने का सपना अब सच होता दिखाई दे रहा है। वैसे इस बार बीसीसीआई ने 18 सदस्यों के स्क्वाड में आईपीएल 2023 में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले 3 खिलाड़ियों को इस स्क्वाड में शामिल कर हर किसी को हैरान किया है। तो 4 पुराने खिलाड़ियों की इस भारतीय टीम में वापसी भी हुई है। वहीं पिछले कुछ महीनों से चोटिल चल रहा है जसप्रीत बुमराह, श्रेयस अय्यर समेत 2 और खिलाड़ियों की धमाकेदार वापसी पहले से कई ज्यादा मजबूत और खतरनाक लग रही है। तो भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में भी होंगे कई भयंकर हैरान कर देने वाले बदलाव जो आपको चौंका देंगे। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। जैसा कि आप सबको पता है कि इस साल 2023 वर्ल्ड कप भारतीय सरजमी पर ही खेला जाएगा, जिस वजह से वर्ल्ड कप का रोमांच चरम पूरे देश में होने वाला है। वैसे साल 2011 का वर्ल्ड कप भारत में खेला गया था तो भारतीय टीम ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में खिताबी जीत हासिल की थी। तो इस बार भी भारतीय टीम के पास अच्छा मौका है वर्ल्ड कप पे कब्जा जमाने का। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वर्ल्ड कप 2023 का क्या है पूरा शेड्यूल, इसके साथ ही वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला और वर्ल्ड कप का आखिरी फाइनल मुकाबला कहां खेला जाएगा। साथ ही 2 टीमें आपस में झगड़ने वाली है। वहीं भारतीय टीम के आज तक खेले गए वनडे वर्ल्ड कप मुकाबले में क्या रहे आंकड़े, तो इन आंकड़ों के लिहाज से कौन है वनडे वर्ल्ड कप का किंग। इसके अलावा वनडे वर्ल्ड कप 2023 के लिए भारतीय टीम की क्या है 18 सदस्यों की सबसे बेस्ट और घातक खतरनाक भारतीय टीम। वहीं दोस्तों वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला भारत और पाकिस्तान का कब देखने को मिलेगा। क्रिकेट फैंस के साथ इस वर्ल्ड कप से जुड़ी कई अहम बातें जिसे जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। ऐसे में दोस्तों आप महेंद्र सिंह धोनी के फैन हो तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों इस साल वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत 5 अक्टूबर से होने वाली है। वही फाइनल का मुकाबला 19 नवंबर को खेला जाएगा। वही वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। तो वही टीम इंडिया का अपना पहला मुकाबला 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से खेला जाएगा। इसके अलावा वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला भारत और पाकिस्तान का 15 अक्टूबर को देखने को मिलने वाला है। वही दोस्तों इन सारे मुकाबलों की टाइमिंग क्या है, वही दिन के मुकाबले दोपहर 2 बजे से खेले जाएंगे और टीम इंडिया के सारे मुकाबले दोपहर 2 बजे से ही शुरू होंगे। इस वर्ल्ड कप 2023 के लिए 18 सदस्यों की फाइनल स्क्वाड के बारे में बात करने से पहले आपको बताते हैं वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के क्या है आंकड़े। आज तक वर्ल्ड कप के 12 सीजन में भारत ने 2 बार वर्ल्ड कप को अपने नाम किया है। एक बार कपिल देव की कप्तानी में 1983 में, तो दूसरी बार 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। वही 5 बार वर्ल्ड कप जीतकर ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप की किंग रही है। तो दोस्तों भारतीय टीम के बने नए मेंटोर महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा के साथ मिलकर 18 सदस्यों की खतरनाक भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय टीम की सलामी बल्लेबाजी की, जहां पहले सलामी बल्लेबाज विकेटकीपर केएल राहुल को रखा गया है, जिनकी अगर हम मौजूदा फॉर्म की बात करें तो काफी उतार चढ़ाव भरा देखने को मिलता है। राहुल फिलहाल चोटिल है, आईपीएल के दौरान ही केएल राहुल चोटिल हो गए थे, लेकिन ये तूफानी खिलाड़ी वर्ल्ड कप तक पूरी तरह से फिट हो जाएगा तो इनका खेलना तय है। केएल राहुल ने वनडे मुकाबलों में 5 शतक जड़ते हुए लगभग 2000 रन बनाए हैं। वहीं इस स्क्वाड के दूसरे सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा होने वाले हैं। रोहित शर्मा ने वनडे मुकाबलों में लगभग 10000 रन बनाए हैं, जिसमें उनके नाम 30 शतक तो वहीं 48 अर्धशतक बनाए हैं, साथ ही 3 दोहरे शतक भी दर्ज है। वहीं वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा का फॉर्म भी कमाल का देखने को मिलता है, जहां पे रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप में लगातार एक विश्वसनीय रिकॉर्ड बनाया है। इस स्क्वाड में तीसरे सलामी बल्लेबाज ईशान किशन का चयन किया गया है, जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है, क्योंकि इनका फिलहाल T20 और वनडे पिछले मुकाबलों में जब भी इनको खेलने का मौका मिला है आउट ऑफ फॉर्म ही नजर आए हैं। इनकी जगह पे ऋतुराज गायकवाड़ या यशस्वी जैसे बल्लेबाजों का चयन होना चाहिए। यह हर किसी के लिए हैरानी की बात है, क्योंकि यह दोनों बल्लेबाजों ने फिलहाल आईपीएल में भी अपना दमदार फॉर्म दिखाया था। चौथे और आखिरी सलामी बल्लेबाज भारतीय टीम के नए सुपरस्टार बल्लेबाज शुभमन गिल आते हैं, जिनका फॉर्म पिछले 2 सालों से वनडे वर्ल्ड कप के सारे बल्लेबाजों में सबसे बेहतरीन रहा है। शुभमन गिल टेस्ट मैच हो या वनडे या फिर T20, हर फॉर्मेट में अपनी बल्लेबाजी की वजह से गेंदबाजों के लिए काल बने हुए हैं। वनडे मुकाबलों में इनके आंकड़े कमाल के हैं, जहां पे इन्होंने 4 शतक और 1 दोहरा शतक जड़ा है। अब इन 4 सलामी बल्लेबाजों के अलावा 5 मिडिल ऑर्डर के 10 बल्लेबाजों को शामिल किया है। यहां सबसे पहले नाम सूर्य कुमार यादव का है, जहां सूर्य को 18 सदस्यों की टीम में शामिल किया गया है, जिनके सामने गेंदबाजी करने से हर गेंदबाज डर जाता है। वहीं स्क्वाड के पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव होने वाले हैं। सूर्य कुमार यादव T20 के बहुत ही तूफानी बल्लेबाज है, इनसे बेहतर दूसरा कोई बल्लेबाज नहीं है, पर अभी यह वनडे क्रिकेट में खुद को साबित नहीं कर पाए है। लेकिन अगर इन्होंने वनडे मुकाबलों में अपनी लय हासिल कर ली तो इनसे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं हो सकता। इस स्क्वाड के दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज किंग कोहली विराट कोहली का नाम आता है, जो बड़े मंच के खिलाड़ी है और बड़ा प्लेटफॉर्म तलाशते हैं। इन्होंने साथ ही कुछ समय में पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे बल्लेबाजों और खिलाड़ियों को काफी खून के आंसू रुलाए हैं। विराट कोहली की
वनडे मुकाबलों की बात करें तो इनके बल्ले से 46 शतक तो 65 अर्धशतक निकले हैं, जो एक अविश्वसनीय आंकड़ा है। वहीं अगले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की बात करें तो जो काफी समय से इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रहे हैं, संजू सैमसन को मौका मिला है। संजू सैमसन के पास सबसे ज्यादा अच्छा मौका वर्ल्ड कप में कुछ ऐसी पारियां खेलने का है जहां ये अपनी लय से तूफान और गदर मचा सकते हैं। वहीं दोस्तों काफी समय से इनको टीम में मौका नहीं दिए जाने पर संजू सैमसन के फैन ने ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे आग लगा रखी थी कि संजू सैमसन को टीम में मौका दिया जाए। संजू के फैंस के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि संजू वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं। वहीं मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर का चयन जरूर हुआ है, पर अभी वो चोटिल है जिस वजह से उन्होंने आईपीएल 2023 भी पूरी तरह से मिस कर दिया है, पर वर्ल्ड कप तक फिट होकर अपनी टीम इंडिया से जुड़ जाएंगे। श्रेयस अय्यर ने पिछले साल वनडे मुकाबलों में भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, जिस वजह से इनका खेलना तय हो चुका है। वहीं मुकाबले में मिडिल ऑर्डर के एक तगड़े बल्लेबाज है। वहीं इस स्क्वाड के अगले मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज ऋषभ पंत का नाम आता है, जिनके चोटिल होने से दिल्ली को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। आशा है कि वर्ल्ड कप तक बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज भारतीय टीम का हिस्सा बने। ऋषभ पंत के अलावा इस टीम में तीन और विकेटकीपर बल्लेबाज है, जहां केएल राहुल, ईशान किशन और संजू सैमसन है। वैसे दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताना कौन सा विकेटकीपर सबसे बेहतरीन विकेटकीपर है। तो दोस्तों भारतीय टीम की स्क्वाड में चार खतरनाक ऑलराउंडर को भी शामिल किया है, जो अपने दम पे किसी भी मुकाबले का नतीजा पलटने में कुछ ही समय लगाते हैं। वहीं इस स्क्वाड के पहले बल्लेबाज हार्दिक पांड्या का नाम आता है। हार्दिक पांड्या अपनी गेंद से तबाही मचाते हुए बल्ले से आग उगलते हैं। हार्दिक पांड्या एक विस्फोटक बल्लेबाज के साथ एक घातक तेज भी गेंदबाज भी है। हार्दिक ने जहां ओडीआई में 1600 के लगभग रन बनाते हुए अपनी तेज गति की गेंदबाजी से 72 विकेट निकाले, जो बतौर ऑलराउंडर के कमाल के आंकड़े हैं। इनके बाद इस स्क्वाड के दूसरे ऑलराउंडर सर रविंद्र जडेजा का नाम आता है। इस खिलाड़ी में तीन ऐसी खूबियां हैं जो पूरे विश्व के खिलाड़ियों में नहीं है। सबसे पहले तो इनकी स्पिन बॉलिंग अटैक काफी जबरदस्त है, उसी के साथ यह दुनिया के सबसे बेहतरीन फील्डर माने जाते हैं। साथ ही अपने बल्ले से तूफानी पारी खेलने की भी काबिलियत रखते हैं और वनडे मुकाबलों में इन्होंने 100 विकेट निकाले हैं। वहीं इस स्क्वाड के अगले ऑलराउंडर खिलाड़ी की बात करें तो सर शार्दुल ठाकुर को टीम में रखा गया है। पिछले तीन वनडे सीरीज की बात करें तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका के सामने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से तीनों टीमों को खूब परेशान किया था। वहीं इनके टीम में खेलने से भारतीय टीम की बल्लेबाजी और भी मजबूत दिखाई देती है। साथ ही शार्दुल ठाकुर ने वनडे मुकाबलों में 50 विकेट निकाले और यह खिलाड़ी काफी कम मुकाबले खेलते हुए दुनिया के एक बेहतरीन ऑलराउंडर है। वहीं चौथे ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। अक्षर पटेल ने बीते एक साल के अंदर अपने आप को काफी ज्यादा बेहतरीन खिलाड़ी बना लिया है। चाहे टेस्ट क्रिकेट हो या वनडे या T20 सीरीज, सभी फॉर्मेट में अपनी काबिलियत को अपने अकेले दम पर दिखाया है और दिल्ली की तरफ से इन्होंने आईपीएल में अपना नाम सबसे ऊपर रखा है। वहीं दोस्तों इनके बाद बॉलिंग अटैक की बात करें तो सबसे पहले नाम युजवेंद्र चहल का आता है। युजवेंद्र चहल ने बेहतर वनडे मुकाबले खेलते हुए अपनी गुगली गेंद से 121 विकेट निकाले है। तो वहीं चहल मिडिल ऑर्डर के घातक स्पिन गेंदबाज है। वहीं स्क्वाड के स्पिनर की बात करें तो ऑर्थोपेडिक स्पिनर कुलदीप यादव का नाम आता है, जो फिलहाल भारतीय टीम में वनडे मुकाबले का हिस्सा पिछले एक साल से लगातार बने हुए हैं। कुलदीप यादव ने मिडिल ओवर में अपनी गेंदबाजी से 134 विकेट निकाले हैं। वहीं दोस्तों 18 सदस्यों के स्क्वाड में तीन सबसे बड़े तेज गेंदबाजों को शामिल किया गया है, जिसमें पहला नाम निकल कर आता है डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का। जी हां दोस्तों, वर्ल्ड कप में जसप्रीत बुमराह खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि यह पूरी तरह से फिट होकर वापस लौट चुके हैं। बुमराह ने वनडे मुकाबलों में अब तक केवल बेहतर मुकाबले खेलते हुए 127 विकेट लिए हैं। जहां स्क्वाड के तेज गेंदबाज और स्विंग किंग कहा जाने वाला मोहम्मद शमी का नाम आता है, तो वनडे मुकाबलों में एक तगड़े गेंदबाज है, जिन्होंने वनडे मुकाबले में 162 विकेट निकाले हैं, जिनको वर्ल्ड कप के स्कोर से दूर रखना इतना आसान नहीं है। वहीं भारत के अगले तेज गेंदबाज की बात करें तो मोहम्मद सिराज का नाम निकल कर आता है, जिन्होंने पिछले दो सालों में खूब बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जहां पर मोहम्मद सिराज ने केवल 24 वनडे मुकाबले खेलकर 75 विकेट निकाले हैं, जो विश्व के लिए एक बेमिसाल आंकड़े है, जिस वजह से यह वर्ल्ड कप के दूसरे सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं। तो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताओ रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी की 18 सदस्यों की खतरनाक भारतीय टीम के साथ भारत 2023 का वर्ल्ड कप जीत पाएगी या नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है वो भी बता दीजिएगा।